जीवन इंडिया न्यूज मतलब खबर पक्की है, जज्बा सच बोलने का, जुनून सच दिखाने का। जी हाँ, एक बार फिर से टीवी वन इंडिया न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की तरह एक बार फिर दोहराया गया इतिहास, जिसे डमी प्रत्याशी कहते थे जिसके सर पर बंधा जीत का सेहरा। जी हाँ, दोनों नेताओं ने निभाई निकाय चुनाव की तरह निर्णायक भूमिका। एक ने अपने नेता को विजय दिलाई तो वहीं दूसरे ने अपने नेता के विरोधी को धूल चटाने के लिए निर्णायक भूमिका अदा की है। हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि किस तरह से दोनों नेताओं के निकाय चुनाव की पलट कर रख दिया था, उसी तरह लोकसभा में होने जा रहा है और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जिसे विपक्षी डमी कहते थे उसके सिर पर जीत का सेहरा बंधा है। दरअसल हम आपको बता दें कि टीवी वन इंडिया न्यूज पर हमने आपको पहले जिस तरीके से लोकसभा फिरोजाबाद का विश्लेषण बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से दो नेताओं ने निकाय चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा की, ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। इस बार इस खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दी है। जी हाँ, बिल्कुल, एक बार फिर से निकाय चुनाव की तरह फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परिणाम आए हैं, उससे यह साबित होता है कि समाजवादी पार्टी के अति आत्मविश्वास की यह लगातार ये दूसरी हार है, पहली निकाय चुनाव में और दूसरी लोकसभा चुनाव में। हम बात करते हैं उन दो नेताओं की जिन्होंने निकाय चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा की। जैसा कि हम आपको पिछली खबर में बता चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में कैसे उन्होंने निर्णायक भूमिका अदा की, जिसमें पहला नाम आता है विधायक मनीष सीजा तथा दूसरा नाम सपा से पूर्व विधायक मौजूदा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिलाध्यक्ष अजीम भाई। जी हां, इन दोनों नेताओं ने किस तरह से लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा की वह हम आपको बताते हैं, जरा गौर कीजिएगा। हमने आपको पूर्व में बताया था कि किस तरह से फिरोजाबाद के चुनावी परिणाम आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से नगर विधायक मनीष सीजा की। हाँ, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए तोड़ मेहनत की तथा जो लोग प्रत्याशी को डमी कैंडिडेट कहते थे, उन्होंने करारा जवाब देते हुए भाजपा प्रत्याशी को निकाय चुनाव में अपनी मेहनत के बल पर कार्यकर्ताओं को समर्थन से जीत दिलवाई। के बाद एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जब डॉक्टर चंद्रसेन जादौन का लोकसभा का टिकट दिया गया तो विपक्षी उन्हें डमी प्रत्याशी कहने लगे। उन्हें कोई जनता नहीं जानती थी। जनता के बीच में संदेश जाने लगा कि जानबूझकर भाजपा ने ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया है जो हार जाए। लेकिन एक बार फिर मोर्चा संभाला विधायक मनीष सीजा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली तथा कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उनमें जोश भरते हुए डॉक्टर चंद्रसेन जादौन को जिताने के लिए संकल्प लिया। उस संकल्प सभा का वीडियो भी हमने आपको पहले ही खबर में दिखाया था कि किस तरह उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, पांचों विधानसभाओं के लिए संदेश दिया और अपने प्रत्याशी से कहा कि जाइए ग्रामीण क्षेत्र में अपना प्रचार कीजिए। फिरोजाबाद में कार्यकर्ताओं के समर्थन से, उनके साथ सहयोग से नगर विधायक मनीष सीजा ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की, जनसंपर्क किया, बिना समय की परवाह करते हुए मेहनत की, जिसका नतीजा देखने को मिला। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जिसको विपक्षी डमी प्रत्याशी कहते थे वह विजयी हुआ, जिसका श्रेय कहीं न कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता वोटर्स के साथ साथ नगर विधायक मनीष सीजा को जरूर जाता है। अब बात करते हैं दूसरे नेता पूर्व विधायक मौजूदा प्रसवा के जिलाध्यक्ष अजीम भाई की। हमने आपको पिछली खबर में दिखाया था कि किस तरह से निकाय चुनाव में उन्होंने अपनी दम पर पतंग के प्रत्याशी को दूसरे स्थान पर ला दिया था, जबकि सपा को तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में चुनौती बड़ी थी क्योंकि सैफई परिवार के अक्षय यादव सामने थे। ऐसे में अजीम भाई ने सैफई परिवार के दिग्गज शिवपाल सिंह यादव को अक्षय यादव के सामने उतारने की जी तोड़ मेहनत की, जिसमें उन्होंने विधायक हरिओम यादव के पुत्र विजय प्रताप उर्फ छोटू यादव सहित कुछ सपा के ही बागी नेताओं का साथ मिला, जिसके दम पर सपा सुप्रीमो मुलायम यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव को फिरोजाबाद लोकसभा में उन्हीं की नई पार्टी प्रसपा के दौरान मैदान में उतारा। जैसे ही घोषणा हुई तो लोगा कि एक बार फिर से चाचा बनाम भतीजा हो जाएगा। लेकिन यह चुनाव जैसे ही भाजपा का प्रत्याशी घोषित हुआ वैसे ही मामला त्रिकोणी हो गया, किंतु प्रसपा प्रचार के मुताबिक अपने जनाधार को वोट में तब्दील करने में नाकाम रहा, क्योंकि प्रसपा का चुनाव बाहरी कार्यकर्ताओं की दम पर लड़ा गया जिन्होंने फिरोजाबाद की नब्ज मालूम नहीं थी। लेकिन अजीम भाई हरिओम यादव गुट की वजह से शिवपाल सिंह यादव को 91,879 मत मिले, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में बड़ी सेंध थी, जिसकी वजह से 28,781 वोटों से भाजपा प्रत्याशी चंद्रसेन जादौ जीतने में कामयाब रहे। अगर बात करें प्रसपा की तो अजीम भाई गुट व उनकी पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसी तरह से सपा प्रत्याशी अक्षय यादव को किसी तरह से हराना है, जिसको लेकर जी तोड़ मेहनत की गई। कहीं ना कहीं अगर जीत भाजपा की हुई तो प्रसपा भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई, जिसको लेकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे, जिसका श्रेय अजीम भाई गुट को जाता है। वहीं साइकिल का अस्तित्व स्वयं सपा ने ही मिटा दिया है, जिसमें क्योंकि जिस दिन समाजवादियों ने बसपा से
गठजोड़ किया था उसी दिन यह स्पष्ट हो गया था कि अब समाजवादी हाथी की सवारी करेंगे, जो कि एक विलासिता का प्रतीक है, जबकि साइकिल एक सच्ची समाजवादी थी। फिलहाल यह तो तयशुदा समझा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने स्वयं समाजवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोंक दी है। जी किस खुशी में मिष्ठान वितरण हो रहा है? बीजेपी नरेंद्र मोदी के निर्देशन में जो बीजेपी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है, उसके उपलक्ष्य में आज मिष्ठान वितरित किया जा रहा है। इसमें हमारे डॉक्टर तमसेन जी गोजावा लोकसभा से जीते हैं, माननीय ब्रजेंद्र राजीव सिंह बघेल आगरा लोकसभा से जीते हैं। इसके उपलक्ष्य में आज फिरोजाबाद के वार्ड विजयनगर में गली नंबर 4 में मिष्ठान वितरण सभी नगरवासियों किया जा रहा है। आज किस तरीके का ये जश्न मनाया जा रहा है? आज हम भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के लिए और इस पूरे भारत की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और जो गरीब दलित सब जाति के लोगों ने और भाजपा को वोट दिया है और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया है, जिसके लिए आज हम खुशी मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के लिए आज हम खुशी का माहौल है और खुशी मना रहे हैं। जिस डमी कहते थे और आपके प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, तो क्या कहना चाहेंगे उन विरोधियों के लिए? एक्चुअली ऐसा है कि हमारी ये भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की पे चलने वाली है और यहाँ पर जैसे लोग बदनाम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पैसे वालों की पार्टी है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। डॉक्टर चंद्रशेखर जाधव जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे और उनकी छवि एकदम ये समझो कि शीशे की तरह साफ थी, ऐसे बहुत से लोगों ने टिकट मांगे जो दबंग किस्म के लोग थे और बावली लोग थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की और दलितों की पिछड़ों की और सबके हितैषी की पार्टी है। इसलिए डॉक्टर चंद्रशेखर जाधव को टिकट दिया कि वो एक मीडियम वर्ग के व्यक्ति थे, न कोई दबंग थे, न कोई वो पैसे वाले थे और उनको जो लोग डमी कैंडिडेट के नाम पर शुरू में कुछ लोगों ने बदनाम किया, डमी कैंडिडेट पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी छवि को देख करके कि वो ईमानदार व्यक्ति है और सारा सिंपल व्यक्ति है, कोई उनके अंदर वो चीज़ नहीं है कि लोग दिखावा करते हैं कि गाड़ी घोड़ा और मतलब जिस तरह के लोग दिखावा करते हैं राजनीति में, उनके अंदर ये सब चीज़ नहीं थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सादा सिंपल कार्यकर्ता को टिकट दिया और जो लोगों ने ये सोचा था कि ये डमी है, तो डमी के उनके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आए थे यहाँ सभा करने के लिए, तो वो घोषणा कर गए थे कि ये डमी लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है और भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता है और उसको हमने टिकट दिया है और उसको हम जिताएंगे और यहाँ की फिरोजाबाद की जिले की जनता जिताएगी और यही सब हुआ है। जनता जीत के लिए श्रेय किसको देना चाहते हैं? जीत के लिए मैं श्रेय देना चाहता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जमीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने मेहनत की और उसके साथ साथ जो हमारे ज़िले की जो जनता है, जनता ने जो वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो हम जनता जनादर को हम जीत का श्रेय देना चाहते हैं। आज किस तरीके का जश्न आप लोग मना रहे हैं? आज हम जश्न पूरे भारत में जो केसरिया एकदम रख दिया है चले देश की जनसभा और जनता ने, मैं उन जन सब पूरे भारत की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने दोबारा हमारे सब लोकप्रिय पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया और बाकी
वैसे आपने फिरोजाबाद में कभी चंदसेन जाधव उनके जीतने की आशा की थी, क्योंकि विरोधी बराबर उनको डमी कैंडिडेट कह रहे थे? विरोधी तो डमी कैंडिडेट हूँ तो राठौर जी को भी कह रहे थे कि डमी कैंडिडेट है, लेकिन क्या हुआ, सबसे बड़े अंकों से जीत हुई उनकी। उसके बाद जाधव जी आए तो इनको भी डमी कैंडिडेट बोलने लगे, और डमी गन जनता जो कहती है वो कर दिखाती। जनता ने कहा था हम मोदी जी के साथ हैं, और जो मोदी जी ने किया है वो देश में क्या पूरे वर्ल्ड में शायद कोई कर नहीं पाया। गरीबों को मकान, बीमा, मैं तो गिना नहीं पाऊंगा इतनी योजना उन्होंने चला। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहेंगे। मोदी जी की सकल पर ही पूरे देश के सांसद चुने गए हैं, और मैं उन सांसदों को बधाई देता हूं, और सर्व समाज को बधाई देता हूं, हर जाति को बधाई देता हूं कि आपने ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी लाई हर सांसद को। गाड़ी घोड़ा और मतलब जिस तरह के लोग दिखावा करते हैं राजनीति में, उनके अंदर ये सब चीज नहीं थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सादा सिंपल कार्यकर्ता को टिकट दिया। और जो लोगों ने ये सोचा था कि ये डमी है, तो डमी के उनके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आए थे यहाँ सभा करने के लिए, तो वो घोषणा कर गए थे कि ये डमी लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और उसको हमने टिकट दिया है और उसको हम जिताएंगे, और यहाँ की फिरोजाबाद की जिले की जनता जिताएगी, और यही सब हुआ है। जनता जीत के लिए श्रेय किसको देना चाहते हैं? जीत के लिए मैं श्रेय देना चाहता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जमीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, और जिन्होंने मेहनत की, और उसके साथ साथ जो हमारे जिले की जो जनता है, जनता ने जो वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो हम जनता जनादर को हम जीत का श्रेय देना चाहते हैं। फिरोजाबाद के लोकतंत्र में और भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की। आज पूरी जनता, भारतवर्ष की जनता, फिरोजाबाद की महान जनता ने आज ऐसा निर्णय लिया है कि परिवारवाद को खत्म करके ईमानदार कर्मठदार कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के चंदसेन जाधव को ईमानदारी के साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने माननीय चंदसेन जाधव को जिताने का काम किया। फिरोजाबाद की महान जनता काउंटिंग के दौरान जब ऊपर नीचे जा रहे थे, कभी चंदसेन जाधव आगे, कभी अक्षय यादव आगे, तो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा लग रहा था आपको कार्यकर्ता होने के? पूरा भरोसा था, इस जीत का पूरा भरोसा था। नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा था, हमें जीत का पूरा भरोसा था। हम पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव जीतने के लिए सक्षम थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा मन बना लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम चंद्रसेन जाधव फिरोजाबाद के प्रत्याशी और लोकसभा में पहुंचेंगे। और दिल्ली की आज महान जनता ने ये काम करके दिखा दिया कि चंद्रसेन जाधव फिरोजाबाद में परिवारवाद की हार हो गई और भारतीय जनता पार्टी के चंद्रसेन नरेंद्र मोदी डॉक्टर चंद्रसेन जाधव जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, और उनकी छवि एकदम ये समझो कि शीशे की तरह साफ थी। ऐसे बहुत से लोगों ने टिकट मांगे जो दबंग किस्म के लोग थे और बावली लोग थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की और दलितों की, पिछड़ों की और सबके हितैषी की पार्टी है, इसलिए डॉक्टर चंद्रसेन जाधव को टिकट दिया कि वो एक मीडियम वर्ग के व्यक्ति थे, न कोई दबंग थे, न कोई वो पैसे वाले थे, और उनको जो लोग डमी कैंडिडेट के नाम पर शुरू में कुछ लोगों ने बदनाम किया, डमी कैंडिडेट पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी छवि को देख करके कि वो ईमानदार व्यक्ति है और सारा सिंपल व्यक्ति है, कोई उनके अंदर वो चीज। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता देवाशीष शर्मा व मयंक शर्मा की यह विशेष रिपोर्ट।